सुबह का 10:15 हुआ है। आज हम लोग भरतपुर ट्रिप कर रहे हैं फरीदाबाद से। यहाँ से भरतपुर का ट्रिप हम नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से करेंगे। देखते कितना बजे तक भरतपुर पहुँचते। सिंस कोविड है तो ये हम ट्रिप वहाँ पे जाएंगे और वापस आएंगे। एक रोड ट्रिप होगा, हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉन्टैक्ट लेस हो। सो देखते अभी 10:15 हुआ है, रास्ते में हम पेट्रोल डलवाएंगे और आपको सारे जानकारी देंगे कि कितना टोल्स आते हैं, कितना खर्चा होता है टू एंड फ्रो और कितना टाइम लगता है भरतपुर जाने में और आने में। भरतपुर फरीदाबाद भरतपुर ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, अभी टोल क्रॉस कर चुके हैं, 28 बजा है। सो लेट्स सी कितना बजे तक और आगे चलते हैं और आगे और अपडेट्स देंगे जैसे जैसे हम चल रहे। थैंक यू। सो हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे आ गए हैं सरिता विहार पे, पेट्रोल डलवा के फिर आगे चलेंगे, फुल टैंकी करेंगे, देखते आगे कैसे कैसे सफर होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे। सो पेट्रोल डलवाने के लिए अभी आए हैं सरिता विहार पे। थैंक यू। 33 लीटर पेट्रोल डलवाए और करीब 3,200 रुपये के आसपास बिल हुआ, फुल टैंकी किया हम लोगों ने और आगे बताएंगे आपको। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत हल्का हल्का सा आया है और करीब 15 डिग्री सेल्सियस है, सो वेदर बहुत अच्छा है। लेट्स सी कैसे50 हुआ है। अभी हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे है और गाड़ी की स्पीड कभी 80 किलोमीटर पे है और यहाँ से करीब 3 घंटा दिखा रहा है पहुँचने के लिए। मौसम बहुत जबरदस्त है बाहर, करीब 15-16 डिग्री के आसपास होंगे और हम लोग ब्रेकफास्ट सुबह नहीं किए थे तो बीच में एक बार रुक के कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। आगे का जर्नी का और डिटेल्स आपको बताते रहेंगे, फॉलो कीजिए। थैंक यू। नॉर्मली इस रोड पे 100-120 के आसपास स्पीड होना ठीक है,
रहे हैं, रोड काफ़ी अच्छे हैं एंड हम इस रोड पे अभी करीब 150 किलोमीटर वैसे ही चलेंगे। आगे का एक दो टोल्स आएंगे, आपको बताएंगे क्या क्या टोल्स है, नहीं है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो इसमें। एक बीच में हाईवे धावा पे आए हैं और ये करीब 100 किलोमीटर है फरीदाबाद से, तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉशरूम और ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन आगे चलेंगे। काफ़ी अच्छा है, खाली है, यहाँ पे हाईवे के साथ ही आप यहाँ पे जा सकते हो। थैंक यू, चलो बैठो जा। अभी हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद। हम लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे पहले टोल पे आ चुके हैं और टोल क्रॉस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अभी हम दूसरे टोल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से आगे चल के एक लेफ्ट जाएगा, वहाँ से हम लेंगे तो हम वृंदावन पहुँच जाएंगे। तो ये दूसरा टोल अभी आने वाला होगा, ये टोल प्लाजा दिख रहा है आपको, और यहाँ से टोल बिल्कुल क्रॉस करने के बाद ही वृंदावन की तरफ एक लेफ्ट रास्ता जा रहा है, तो वहाँ पर हम वृंदावन कोई भी अगर जाएगा तो वहाँ से जा सकते। तो देखते ये वाला टोल क्रॉस करते हुए, अभी बजा है 12:27, बिल्कुल 2 घंटे हम लोग चल चुके हैं, करीब करीब 150 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी ये टोल रोड स्टार्ट होने, ये टोल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक है तो हम इसको इजीली क्रॉस कर जाएंगे। जबरदस्त गाना बज रहा है और हम टोल उसने क्रॉस कर गए, अभी हम क्रॉस करेंगे इसको देखते। ये मथुरा प्लाजा दिख रहा है इसमें, क्रॉस कर गए हम लोग। देखिए रोड बहुत जबरदस्त है और आगे चल के आपको वृंदावन की तरफ रास्ता उड़ता हुआ दिखेगा। देखिए वृंदावन दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखा हुआ, यहाँ से 11 किलोमीटर है वृंदावन। हम एक ढाबा क्रॉस कर चुके हैं, अभी रोड बिल्कुल खाली है, बहुत मजा आ रहा है रोड पे ड्राइव करते हुए। बट बीच बीच में ध्यान रखिए, स्पीडोमीटर दिया हुआ है। थैंक यू। हम लोग नेशनल हाईवे एग्जिट लेंगे, ये वाला, ये अभी हम क्रॉस कर चुके हैं नेशनल हाईवे, कट करके इस रोड पे आ चुके और ये भरतपुर का
हम लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे को लेफ्ट में छोड़ते हुए रोड पे आ चुके हैं। ये रोड सीधा भरतपुर जा रहा है। आगे आपको अपडेट्स देंगे। अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस कर चुके हैं, बट इस रोड पे आपको ट्रैफिक मिलेंगे। उस रोड पे जैसे हम लोग 100 के स्पीड पे जा रहे थे, यहाँ पे उतना स्पीड आपका होगा नहीं। अभी ट्रैफिक इसमें काफी है और आपको बीच बीच में साइन बोर्ड दिख जाएंगे कहाँ से टर्न लेना है अगर आप GPS ऑन करके चल रहे हो। तो ये रोड का करीबन 50 किलोमीटर है आपका, जब से आप यमुना एक्सप्रेस हाईवे को छोड़े हैं 50 किलोमीटर यहाँ से आपको भरतपुर पहुँचने के लिए मिलेगा। और अभी घड़ी में दिखा रहा है कि 2 बजे तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ पे। तो अभी हुआ है 12:45, तो भरतपुर पहुँच के आपको दोबारा फिर हम अपडेट देंगे, तब तक देखते रहिए। 2 बजे है यहाँ पे, अभी हम भरतपुर पहुँचे, करीब 180 किलोमीटर लगा है और 3.5 घंटे में हम पहुँचे। यमुना एक्सप्रेस हाईवे तक रास्ता ठीक था, उसके बाद जब हम मथुरा के लिए लिए थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिल गए थे, अदरवाइज रास्ता ठीक था। मौसम यहाँ पे थोड़ा सा फॉगी है एंड थोड़ा सा हल्का हल्का सा बूंदाबांदी हो रहा है। अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे, थोड़ा सा 1-2 घंटा रुकेंगे, भरतपुर का सैर करेंगे, बर्ड सेंचुरी, एंड देन आगे फिर वापसी में हम ट्रैवल करेंगे। भरतपुर में हम 2 बजे पहुँच चुके थे, ऐसे हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे से आए और भरतपुर में अभी 4:30 बजा है। टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम लोग को वापस जाना पड़ा। कपल ऑफ चीज़ें मैं आपको भरतपुर के लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एंट्री टिकट 115 रुपये पर पर्सन है और बाहर आपको रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको 150 रुपये लेंगे पर आवर के घूमने के लिए। करीब करीब 3 घंटा आपको चाहिए पूरा भरतपुर में अंदर घूमने के लिए। सो आप थोड़ा सा सुबह जल्दी आइए और 3 घंटा इस पर घूमिए तो आपको अच्छा कवरेज आपको मिलेगा। और बाकी अंदर एक कैंटीन है भरतपुर में, एक आप रिजॉर्ट है वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो भरतपुर में बर्ड सेंचुरी के अंदर, जो रिजॉर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 5000 विद ब्रेकफास्ट कपल एंट्री है। और यही सब है, हम वापस चलेंगे दिल्ली के फरीदाबाद की तरफ और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है अभी पहुँचने के लिए और आपको टोटल कितना कॉस्टिंग लगा, पेट्रोल टैक्स सब चीज़ आपको वहाँ जाके मिलता है। थैंक यू। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, अभी 4:30 बजा है और अभी थोड़ा सा फॉग है, यहाँ पे बारिश भी हो रहा है भरतपुर पे और 2 घंटे यहाँ पे भरतपुर के अंदर हम लोगों ने घूमे, ज़्यादा घूम नहीं पाए बिकॉज शाम हो रहा है। भरतपुर में आपको आने के लिए थोड़ा सुबह जल्दी आना पड़ेगा और लगभग 3.5 घंटा लगा था हमें आने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 3-4 घंटे स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से घूम पाएंगे, फिर वापसी में भी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटा दिखा रहा है अभी GPS में। हम दिल्ली पहुँच के, फरीदाबाद पहुँच के आपको अपडेट देंगे कि कितना टोटल टाइम में हम पहुँचे। एन रूट दिल्ली हम लोगों ने सिखन जी रेस्टोरेंट पे रुके हैं 10-15 मिनट के लिए, ब्रेकफास्ट टी कॉफ़ी एंड कॉल, और आगे फिर दोबारा वापसी हम जर्नी स्टार्ट करेंगे थोड़ी टाइम में। ये मथुरा हाईवे पे आपको पड़ेगा, अच्छा रेस्टोरेंट है और वापसी में आके वेज रेस्टोरेंट है, वॉशरूम क्लीन है, यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो टाइम थोड़ा सा रिलैक्स के लिए। कैसा लगा आपको बताइए आपका ये जर्नी? बहुत अच्छा था, रूट बहुत अच्छा था, रास्ते बहुत ही अच्छे स्मूथ थे, खाली में ना आते वक्त भी हमने जो मथुरा आगरा वाला बाईपास रूट किया वो मतलब जो हमने हाईवे लिया वो भी बहुत ही अच्छा था। और ये एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुके तो काफ़ी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, तो ओवरऑल आई थिंक गुड। आप बताइए कैसा लगा आपका ये ट्रिप? वेरी गुड। शर्मी कैसा लगा ये ट्रिप आपको? अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा इस ट्रिप में? अच्छा खाना, खाना तो घर से लेके आए थे, आपको कैसा लगा? माता जी तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या अच्छा लगा आपको? थोड़ा एक्टिंग हो गया, वही बहुत अच्छा लगा, रास्ता अच्छा है। अच्छा ओके, जय आप भी कुछ बोलो, ठीक है। Oh,
सो गाइज अभी हम लोग पहुंचे दिल्ली, अभी 8:10 हुआ है। आते वक्त हम लोग मथुरा रोड से आए थे 4:30 बजे और जाते टाइम हम लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे से गए थे, वहां से हम लोगों को 3.5 घंटा लगा था और वापसी में हम लोग 3:50 लगे मथुरा रोड से। ओनली थिंग इज दैट कि पलवल में हम लोग को 20 से आधे घंटे का ट्रैफिक मिला, तो वो अगर रास्ता अभी फ्लाईओवर 3 महीने में ओके हो जाएगा तो देन आपके लिए मथुरा रोड से जाना बेटर रहेगा। अगर आप साउथ दिल्ली के साइड में रहते हो, हम लोग फरीदाबाद में रहते हैं बदरपुर बॉर्डर के पास, सो आपके लिए करीब आप 3 घंटे से 3.5 घंटे के बीच पहुंच पाओगे। टोटल हम लोगों को जो टोल लगा वो 413 रुपए आना और जाना मिला के, और पेट्रोल करीब हम लोगों ने फुल टैंकी किए थे और करीब 2,200 रुपए के आसपास पेट्रोल लगा। हम लोग का 15 किलोमीटर माइलेज दिया, XL6 है हम लोगों का, उससे आए। मजा बहुत आया। 2-3 सजेशन है कि थोड़ा सा जल्दी अगर सुबह आप निकलते हो वहां से 3 से 4 घंटा आपको भरतपुर में स्पेंड करना बेटर है, वहां पे काफी चीज देखने के लिए है और इस जर्नी में हम लोग काफी एंजॉय किए। अभी हम इसी में बाय बाय करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ट्रिप में आप लोग को पूरा अपडेट देंगे। सो फरीदाबाद, दिल्ली फरीदाबाद से लेके भरतपुर वीक डेज जर्नी, वन डे जर्नी का आपको हमने डिटेल्स बताया। हम लोग को चैनल को फॉलो कीजिए और आपको बहुत सारा ट्रैवल डेस्टिनेशंस हम लोग लाइव शो करेंगे और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे सो दैट आप आगे आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विल सी यू अगेन, थैंक्स।